ये जो अश्लीलता है, जो गंदगी तुम्हें खोलनी है, जाके अपने घर में घोलो, अपनी फैमिली में घोलो, मेरे देश को, मेरी सोसाइटी को बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं तुम लोगों को। सरकार को एक ऐसा स्ट्रिक्ट कानून बनाए, ऐसा लॉ बनाए कि ऐसे लोगों को देश का गद्दार करार देके सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए लंबे समय तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दिव्यतर उपाध्याय। इन दिनों देश के अंदर वेब सीरीज के नाम पर फुहरता और अश्लीलता के साथ ही धार्मिक भावनाओं को आहत करने का चलन सा हो गया है। आए दिन कोई ना कोई ऐसी वेब सीरीज सामने आई जाती है जिसमें या तो देवी देवताओं का अपमान करके हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का काम किया जाता है या फिर हमारी सेनाओं के खिलाफ गंद परोसने का काम किया जाता है। लेकिन अब ऐसा करना भारी भी पड़ना शुरू हो गया है क्योंकि हाल ही में रिलीज हुई तांडव वेब सीरीज में किस तरह से भगवान शिव का अपमान किया गया वो हर किसी ने देखा, जिसके बाद इसके निर्माताओं के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में पुलिस में शिकायत भी दर्ज हुई थी। यहां तक यूपी पुलिस तो इसके निर्माताओं के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मुंबई तक पहुंच गई थी। वहीं कई बार अपनी विवादित वेब सीरीज और फिल्मों को लेकर विवादों में घिर चुकी एकता कपूर एक बार फिर से बुरी तरह विवादों में घिर गई है और इस बार इसकी वजह उनकी वेब सीरीज ट्रिपल एक्स सीजन 2 है। बिहार के बेगूसराय की कोर्ट ने वेब सीरीज की निर्माता एकता कपूर और उनकी माँ शोभा कपूर को समन भेजा है। समन के मुताबिक दोनों को 8 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म अल्ट बालाजी पर प्रसारित होने वाली इस वेब सीरीज में भारतीय सेना के जवानों और उनकी पत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है। बेगूसराय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राजीव कुमार ने इस मामले की सुनवाई की है। उन्होंने एकता और उनकी मां शोभा को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। बरौनी थाने के सिमरिया आदर्श गांव के रहने वाले शंभू कुमार ने परिवाद दाखिल किया था। बता दें कि शंभू कुमार सेना का हिस्सा रहे हैं। उनका दावा है कि वेब सीरीज ट्रिपल एक्स सीजन 2 में भारतीय जवान और उनकी पत्नी के चरित्र को गलत ढंग से पेश किया गया है जो कि अपमानजनक और शर्मनाक है। एकता कपूर की ट्रिपल एक्स सीजन 2 रिलीज होते ही विवादों में आ गई थी। ये सीरीज पिछले साल जून में रिलीज हुई। सीरीज को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध हुआ था। इस मामले में एकता और उनकी मां के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। सेना के अधिकारी संदीप चपराना ने भी एकता कपूर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। संदीप चपराना ही ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने आगे आकर एकता कपूर पर एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था। एकता कपूर को नहीं टोका कि तू किस टाइप की मूवीज बना रही है, किस टाइप की वेब सीरीज बना रही है। अभी हाल ही में जो है इसकी कंपनी ने और उसे मिलकर एक ऐसी वेब सीरीज बनाई है जिसमें एक इंडियन आर्मी के कर्नल रैंक के ऑफिसर्स को दिखाया है। आप लोगों ने देश को मजाक समझा हुआ है क्या? फिल्म बनाने वालों, मूवी बनाने वालों, मैं चाहता हूँ सरकार को एक ऐसा स्ट्रिक्ट कानून बनाए, ऐसा लॉ बनाए कि ऐसे लोगों को देश का गद्दार करार देके सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए लंबे समय तक, ताकि भविष्य में आने वाले मूवी मेकर्स और डायरेक्टर्स उनको पता चल जाए कि यूनिफॉर्म के साथ और नेशनल एम्ब्लम के साथ ये लोग अपनी मनमर्जी से कोई भी किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं कर सकते। और मैं आज जाके एफआईआर लॉन्च करने जा रहा हूँ ऑफिशियली, ताकि ऐसे मूवी मेकर्स को पता चल जाए कि हिंदुस्तान बेवकूफ नहीं है। अगर इंडियन आर्म फोर्सेस हमें देश के लिए सीने पे गोली खा सकती हैं, तो तुम जैसे लोगों को सीधा करना भी जानती हैं। दरअसल जब विवाद ज्यादा बढ़ा तो एकता कपूर ने अपनी वेब सीरीज के आपत्तिजनक सीन्स के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी थी। इस फिल्म में एक भारतीय सैनिक की पत्नी को उसकी गैर मौजूदगी में दूसरे पुरुष से संबंध बनाते दिखाया गया था। अब सवाल है कि जिस तरह से कुछ लोग वेब सीरीज के नाम पर कुछ भी परोस रहे हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए सरकार ऐसा कानून कब लेकर आएगी जो इन पर भारी पड़े और आगे से इस तरह की हरकत करने से पहले ये लोग 100 बार जरूर सोचें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।